गई है, लेकिन चोर को तो मारना ही पड़ेगा। अरे विधवा होना है क्या? अरे पापा, अरे हमें तो लगा था कि आप हमें छोड़कर भाग गए। अरे पागल हो गई है क्या? लेकिन पापा, अब सुबह 4 बजे उठकर क्या करने गए थे ऐसा? पूरे मोहल्ले को परेशान करने। म्युनिसिपैलिटी का कचरा उठा के मैंने सबके घर के सामने पटक दिया है। अब बदबू से सबके नाक के बाल झड़ जाएंगे। सीख अपने पापा से। लेकिन पापा, आप सबके नाक के बाल क्यों झाड़ना चाहते हैं? सबको दुखी कर देना चाहता हूँ मैं, तभी तो लोग घर बेच करके भागेंगे और तभी बन पाएगा यहाँ पे बड़ा सा मॉल, और मॉल में बड़ी सी दुकान मिलेगी हमें और हम और अमीर हो जाएंगे। कितनी बदबू है दादाजी, परफ्यूम से भी कुछ नहीं हो रहा है। अरे बेटा, बदबू तो हमने तब सूंघी थी जब तुम्हारी दादी ने अदरक वाली चाय के साथ मूली के पराठे खाए थे। उस बदबू के सामने ये बदबू तो कुछ भी नहीं। कुछ मम्मी देखो, हर तरफ कचरा ही कचरा है, मोहल्ले वालों को इतना परेशान देख मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, हमें परेशान देख के मजा आ रहा है ना, परेशान तो मैं करूँगा तुम्हें। अरे नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटा, और बताओ कैसे हो? दादाजी, कामिनी आंटी आपसे पूछ रही है कैसे हो। अरे नहीं 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 नहीं, आपसे नहीं पूछे, चल बेटा। अरे अब पूछ ही लिया है तो फिर शर्माना कैसा? तबीयत का तो ऐसा है ना बेटी, सुबह से पेट में गैस हो गई है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आ रही है और गैस का बुदबुदा ऊपर जाकर सर पर सवार हो गया है और सर को भारी कर दिया है। और सर से हमें याद आया कि अब तो हमारे बाल भी झड़ रहे हैं। उत्तराधिकारी को ढूंढना बहुत कठिन हो रहा है माँ, अगली बार पता नहीं क्या करेंगे काल लोक वाले। मुझे दृश्यम नहीं करना चाहिए था, उसे मार देना चाहिए था। नहीं बालवीर, किसी भी कीमत पर तुम्हें उनसे सामना नहीं करना है। आमने सामने होने के बाद भी बालवीर ने भैमार को मारा क्यों नहीं? आखिर कर क्या रहे पृथ्वी पर? हाँ बालवीर, किसी भी कीमत पर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि काल शस्त्र के प्रहार से तुम्हारी शक्तियां कम होती जा रही है। और ना ही ये पता चलना चाहिए कि तुम पृथ्वी पर अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हो। लेकिन तिमनासा को कोई ना कोई अंदेशा तो जरूर मिल गया होगा। पता तो मैं करके रहूंगी कि आखिर बालवीर कर क्या रहा है। तिमनासा से छुपा पाने की आशा रखना कम अकली है। उसे पता चले उससे पहले हमें मेरा उत्तराधिकारी ढूंढना ही होगा। और फिर तुम दोनों मिलकर करना तिमनासा का सामना, खत्म कर देना काल लोक को। अरे उल्टा लटक के ये कौन सा आसन कर रहे हो? धरती लोक से बालवीर को तो लाए नहीं, ये योगा ले आए। अरे वाह उस्ताद भैमार, उसे उल्टा लटक के तबले बजा रहे, तिरकड़ा तिरकड़ा था था था, था। ओ, कुछ मिला उस्ताद?
अब मचेगी तबाही, अब मरेगा बालवीर। आपकी सोच की बदबू ऊपर तक आ रही है, लगता है कुछ बहुत ही घटिया मजेदार सोच रहे हैं आप। अरे कितलो कचरो, कितनी गंदी वास आवे छे। अरे कोई कैसे जिए इस बदबू में। अरे छेड़ा जी, मैं तो कहता हूँ ये मोहल्ला अब रहने लायक रह नहीं गया है। ऐसा करते हैं कि सब लोग अपना अपना घर बेच बाच के कहीं चलते हैं और बढ़िया सी जगह पे। अरे क्या बात कर रहे हैं मिश्रा जी आप, हाँ कोई बदबू के लिए कोई घर बदली करता है क्या? अगर वहाँ भी बदबू आई तो एक महीने में फिर आप वापस घर बदली करेंगे? ऐसा ऐसा जंपिंग करेंगे क्या? सही कहा। अरे सही कहा रतिलाल जी आपने, बदबू की वजह से नहीं चुड़ैल की वजह से छोड़कर जाना पड़ेगा घर। हाँ चुड़ैल? हाँ। अरे मेरी बीबी को क्यों बीच में ला रही हैं आप? आपकी बीवी को बीच में नहीं ला रही हूँ मिश्रा जी, मैं तो ये कह रही थी कि इस मोहल्ले में ना एक चुड़ैल है, चुड़ैल जो रोज रात को सबके घर के सामने बैठकर कचरा खाती है। अगर नहीं खाती चुड़ैल, कचरा नहीं खाती। आज आप मोटे लग रहे हैं। चुड़ैल कचरा नहीं खा रही है तो मैं क्यों मोटा लगूंगा? अरे नहीं नहीं, वो दो अलग बातें हैं। आज आप मोटे लग रहे हैं लेकिन चुड़ैल ने कचरा नहीं खाया। नहीं मुझे क्या है कि अगर वो खाती तो पूरा खा जाती ना, ये थोड़ी छोड़ देती। तो मेरे को लग रहा है कोई आदमी है जो रात को कचरा फैला के जा रहा है। लौट तो रात को पहरा देना पड़ेगा। मीटिंग में हो रही है। हाँ लेट हो जाएंगे, चलिए चलिए बाय दादाजी। सुन के जाइए ना। हाँ दादाजी आप कुछ कह रहे थे ना। अरे हाँ, और बुलबुला जो है गैस का वो अब तो घुटनों में भी आ गया है, ऊपर नीचे करते करते बीच में से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन बस 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 दादाजी हम समझ गए, चल बेटा। चलने की बात से याद आया कि आजकल तो चलने में भी बहुत तकलीफ होती है। सही कह रहे हो गिर पड़े जी आप। आज से ही शुरू कर दीजिए आप पैरा। चले मी, ए, क्या बात कर रहे हैं, मैं कैसे ये पैरा दे सकता हूँ? सुना है चंद्रयान चांद पर पहुंच गया है। नहीं नहीं दो अलग बातें हैं। सुना है चंद्रयान चांद पर पहुंच गया है लेकिन मैं रात को पैरा नहीं दे सकता। मैं सरकारी आदमी हूँ, मला सरकारी ड्यूटीला जाला लगतो। अरे वैसे तो मुझे भी रोज सुबह दुकान खोलना पड़ता है तो मैं भी नहीं कर सकता। आप देंगे पैरा? हाँ नहीं नहीं आप देंगे पैरा? आप देंगे पैरा? आप देंगे? अब तो पराठे भी हजम नहीं होते, सोचता हूँ कल से दलिया खाना शुरू कर दूं। बता के दिल हल्का हो गया। दादाजी चुप हो गए। ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। फाइनली हम यहाँ से जा तो पाएंगे। चल बेटा भाग, चलो भाग, जल्दी फिर से पकड़ लेगा। भाग भाग चलो। बालवीर इस बार नहीं बचेगा तू। रद्दी वाले कबाड़ी, रद्दी कबाड़ी भंगार वाले, रद्दी वाले कबाड़ी। वाह, मुझे पूरा यकीन है आप कार लोक में पहले भंगारी बेचा करते थे, एकदम खानदानी कबाड़ी लग रहे आप। वाह वाह, बहुत सुबान चलती है तेरी। शुक जेरुआ। ये तो जेरुआ है, कालों का सबसे जहरीला प्राणी। आप इसे यहाँ क्यों लेके आए? तो सोच, जिसे देखते ही तू आधा मर गया, जब उसका जहर भरा डंक बालवीर को लगेगा तो क्या होगा? ये लो बच्चों, रंग बिरंगी मीठी मीठी गोलियां, एकदम रंगों और मिठास से भरी। भैया एक और दो ना मुझे।
अरे देने को तो मैं सारी दे दूं, लेकिन अगर दांत गिर गए तो नई दांत कहाँ से लाओगे? ये लो। तो ये बालवीर के लिए है? हाँ, धरती पे मेरा जादू भले ही ना चले, इसका जहर तो चलेगा ना। चलो चलो सब जाओ, अभी खेलो, जाओ 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 जाओ, जाओ, जाओ खेलो खेलो जाओ जाओ जाओ। कहाँ मिलेगा नया बालवीर? आगे चल के देखता हूँ। भैराजा भैमार, अब आप ही बनेंगे काल लोक के नए भैराजा। कबाड़ी बंगार वाले या कबाड़ी या बंगार वाले या। इतने कचरे में कैसे चलेगा भाई? भाई हाँ, क्या काका? हुआ, यहाँ पे मीटिंग थी ना काका? मीटिंग तो हो गई पर मसला नहीं सुलझा। मतलब रात को पहरा देने का फैसला हुआ है, पहरेदार बनने को कोई राजी नहीं है। काका आप देंगे पहरा? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, भलाई के मामले में हम कभी पीछे रह सकते हैं? एक बार की बात है। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे कहाँ जा रहे हो? फिर से भलाई करने के लिए दादाजी इस उम्र में तकलीफ लेंगे, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हैरानी, आपने ये तो ठान लिया कि सबसे पहले आप उन्हें दबोचेंगे, परियों को, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी पर वो परियां हैं कहाँ? ये परियां बहुत भोली होती हैं जगदाली, ये अपना रंग रूप भाषा चाहे कुछ भी बदल ले, लेकिन तिमनासा से छुप नहीं सकती। इन परियों की एक कमजोरी होती है कि सूरज ढलने के बाद धरती पर चमकने लग जाती है, और इनकी चमक ऐसी होती है जो छुपाए नहीं छुपती। चमकने वाली परियां? नन्ही उंगली की कसम भैरानी, आप तो मुझे हर बार इसमें डाल देती हैं, आश्चर्य में, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? बस यूं समझ लो जबदाली के इन सब की कुंडलियां मैंने पढ़ ली हैं। इनके बारे में मैं कितना जानती हूँ ये तो मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन इन सब से तो ज्यादा ही जानती हूँ। और कैसे ये मैं कभी नहीं भूल सकती। इतना कुछ जानती हैं आप, लेकिन लेकिन बहरानी पृथ्वी पर तो आपकी चलती नहीं शक्तियां, फिर आप उन्हें कैसे मारेंगी? बताइए ना बहरानी, कि जब दाली जानना चाहता है बता। धरती के बाहर तो चलती है ना, एक बार ये परियां पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर आ जाएं, उसके बाद इन्हें दबोच के मैं खुद पता करूंगी कि आखिर बालवीर पृथ्वी पर कर क्या रहा है। कबाड़े भंगार वाला। पर मुझे इस देरुआ के जहर का असर देखने का बड़ा मन कर रहा है। भैराजा भैराजा, वो सामने से जो मोटर मार रही है ना। हाँ हाँ, मैं आ गई हूँ लाल चौक पे। उस पर छोड़ दो। किधर मुड़ू यहाँ से मैं? क्या आपने लंच कर लिया है, मुड़ के घर चले जाए? ओहो, बोली नहीं सुनिए, एक बार ऑर्डर किया हुआ लंच वापस नहीं होता। छोड़ दो।
मैं आ रही हूँ, इसका डिनर कर लेना। अच्छा अच्छा। सही टाइम पे गाड़ी रोकी आपने, और मेरे से तो ब्रेक लगा ही नहीं। क्या? तो फिर गाड़ी रुकी कैसे? यहाँ आपको बालवीर ने बचाया है। आप बालवीर हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं कहा है कभी, मैं तो सिर्फ आपको पानी पिलाने के लिए आया था। बालवीर ने टेम्पो को रोका था, लेकिन कोई उससे मिलता उससे पहले ही वो उड़ गया। अब चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आइए। कहाँ रहती आप? भारत नगर। अरे फिर घूमने लग गए आप? अरे आपको सही डसना था तो फिर ये जीरुआ को यहाँ क्यों लेके आए? चुप। अगर इसमें बालवीर की कोई चाल हुई तो मुझे सामने लाने के लिए, अगर परियां यहीं कहीं छुपी हुई होंगी तो हमें बालवीर को ऐसी जगह पे ढूंढना होगा जहां पे वो बिल्कुल अकेला हो। वाह, दिमाग तो चलने लगा आपका मेरी संगत में रह के। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। रिक्शा रिक्शा, आइए। अब मुझे बालवीर पे नजर रखनी होगी। भारत नगर चलोगे? नहीं,
ठीक है, दोबारा मत बोलना, पूछा नहीं। अरे क्या कर रहे हो? राजा को मना करते हो? अरे चलूंगा चलूंगा, भारत नगर चलूंगा। वाह विवान, रिमोट से चलने वाली कुर्सी। विवान तू इसमें दो कुर्सी और फिट कर दे, फिर हम लोग रोज इस पर बैठकर स्कूल जाया करेंगे। हाँ वैसे तेरा आइडिया बुरा नहीं है, पर ये चेयर मैंने हमारे लिए नहीं दादाजी के लिए बनाई है। दादाजी के लिए क्यों? उस कचरा फेंकू को पकड़ने के लिए दादाजी पूरे मोहल्ले में पहरा देने वाले हैं, और वो चलते चलते थक ना जाए इसलिए मैंने ये चेयर बनाई है। देख रही चिंटी, हमारे पापा का प्लान फेल करने का प्लान बन रहा उधर। जो हम होने नहीं देंगे चिंटू, इस मोहल्ले के असली विलन हम हैं। हैरानी, कब कहां और कैसे पकड़ेंगे आप उन्हें, परियों को? ये क्या है बहरानी? ये परी लोक के वो खास पत्थर हैं जो उसी धूल से बने हैं जिस धूल से परियां बनी हैं। और इन्हीं पत्थरों की तरह परियां भी अंधेरे में चमकने लगती हैं। और मान लो ये धरती का सूरज है, उनके परमात्मा का सूरज जिसकी रोशनी में वो परियां नहीं चमकती, लेकिन अब तिमनासा का सूरज चमकेगा। असली सूरज ढलने से पहले मेरा सूरज आसमान में होगा, जिसकी रोशनी में वो सारी परियां चमकने लगेंगी, और फिर और फिर सारी परियां खत्म, खत्म सारी परियां। नन्ही उंगली की कसम भैरानी, आप महान हैं, महान हैं आप। लेकिन भैरानी, आपका सूरज है कहां? ये लीजिए। अब आपका घर आ गया, मेरा काम खत्म, ये ले। अरे जाओ नहीं, सुनो एक बार बताओ, अब बालवीर ने मुझे बचाया है तो मतलब बालवीर है ही ना सही में? पर मेरा बेटा तो बालवीर को मानता ही नहीं है, एकदम एंटी बालवीर है। तुम जरा चल के उसे बताओ ना, मेरा बदमाश बेटा बालवीर के बारे में जानेगा तो कुछ सीखेगा ना उससे। नहीं मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं बोलो नहीं चलो। अरे ये देखो, वो कांच देख रहे हो जिसका वेंटिलेटर बन गया है? हाँ मेरे बेटे की करतूत है। वैसे तो किसी चीज में फर्स्ट आता नहीं है, लेकिन अगर तोड़ने फोड़ने का कंपटीशन होगा ना तो एकदम फर्स्ट आएगा। हाँ मैं भी बिल्कुल एक ऐसे ही बच्चे से मिला था जो तोड़ने फोड़ने में एक्सपर्ट था। अरे मेरे बेटे का ही स्टूडेंट होगा, चलो ना तुम समझाओ उसे। अक्रूर बोलो तिमनासा, समय आ गया है परियों के चमकने का। चमकेंगी परियां तिमनासा, और आज मरेंगी भी। ये है मेरा सूरज जो आज शाम पृथ्वी के आसमान में चमकेगा। Thank you.
इस मोहल्ले में अगर परियां ना हुई तो ये बालवीर का आखिरी भलाई का काम होगा। चलो रुको यहीं पे, जेल में डाल दूंगा तुम दोनों को। अरे पिछले सिग्नल से सीटी पे सीटी बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तुम लोगों को? कंचे डाल रखे क्या कानों में? कहाँ, मैं फ्री टाइम में सिर्फ कंचे कलेक्ट करता रहता हूँ और तू इन टूटी फूटी चेस से रिमोट वाली चेस बना देता है। सच में विवान कितना स्मार्ट है तू। बस यार स्मार्टनेस ही तो कमाई है मैंने। अच्छा मैं जरा इस कुर्सी के बारे में दादाजी को बता के आता हूँ 1.5 घंटे में। इतनी सी बात बताने में 1.5 घंटा लगेगा तुझे? अरे नहीं नहीं, मुझे बताने में तो सिर्फ 2 मिनट लगेगा। फिर दादाजी जो मुझे जवाब देंगे ना उसमें टाइम लगेगा, वो खत्म होते होते 1.5 घंटा तो हो ही जाएगा। पर तू 1.5 घंटे के लिए जा रहा है, तब तक हम क्या करेंगे? बुला लेना अपने बालवीर को। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, जो चीज है ही नहीं उसे बुलाओ के कैसे? ये हंसी तो उस गेंडे चिंटू की है, लोग सुन लेंगे। मैं भी देखता हूँ कैसे चलती है उनकी कुर्सी। उसी ने जिसका आज दिन बहुत खराब होने वाला है। आज तुम दोनों का दिन बहुत खराब है जो मैं तुमसे टकरा गया, क्योंकि ना तो मैं रिश्वत लेता हूँ और ना ही किसी को आसानी से छोड़ता हूँ। नाम नाम बताओ तुम दोनों का। अरे देख क्या रहा है, चालान काटना, नाम बता। जेरुआ। इसे ही मरता देख इतना मजा आया है। तो सोच बालवीर को मरता देख कितना मजा आएगा। आओ आओ, ये है हमारा घर, आओ ना। मैं आपके बेटे से बाद में मिलूंगा, अभी मैं चलता हूँ। अरे बोलो नहीं, सुनो थोड़ी देर तो बैठो। बस मैं ना अभी पानी लेकर आती हूँ। भी सलमान भाई की तरह एहसान से एलर्जी है, और खबरदार जो एहसान किया मैं सर पे ऐसा चढ़ूंगा कि उतरने का नाम ही नहीं लूंगा। चलो अभी चल। लेकिन अरे सुनो तो, इनकी जिद और इनके बेटे की करतूतें वो शैतान लड़के से कितनी मिलती जुलती है। वाह विवान, तूने चेयर फिर से फिक्स कर दी। ये कुर्सी तो मैंने फिक्स कर दी, अब चिंटू को अनफिक्स करना है। कोई कोई गाड़ी रोक दो। अरे यार, अरे कोई गाड़ी रोको। अरे भाई रोक दो यार, कोई गाड़ी रोक दो। अरे यार यार कोई कोई तो रोक दो यार उस गाड़ी को। यार कोई तो रोक दो। देख मेरी रेसिंग चेयर की टर्बो स्पीड। ये है मेरा बेटा विवान। ये है आपका बेटा? हाँ। तुम जानते हो इसे? एक बात बताओ, इस सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि कितना प्यारा बच्चा है आपका। हाँ बहुत प्यारा है, और मेरे दिल का टुकड़ा भी है, पर बहुत शरारती है।
अच्छा तुम रुको, मैं चाय लेकर आती हूँ। भगवान क्या गलती हो गई मुझसे, क्यों घुमा फिरा के बार बार इसी लड़के से मिलवा देते हो? विवान हम चिंटू को इतना परेशान कर रहे हैं, कहीं बालवीर आ गया उसे बचाने तो? अरे यार पहली बात तो दुनिया में बालवीर और कुछ नहीं होता, और अगर आ भी गया ना तो मैं उसे अपने दादाजी से मिलवाऊंगा। ऐसी जलेबी बनाएंगे ना कि बालवीर को समझ ही नहीं आएगा कि दादाजी को रोके कैसे और भागी कहाँ से, और फिर बालवीर इस मोहल्ले में कभी वापस ही नहीं आएगा। अभी अभी मेरी बहू करुणा ने बताया कि आपने किस तरह उसकी मदद की, उसे घर तक लाए, आप महान हैं। मैं पूरे दिल से आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, आपकी महानता देखकर मुझे नारियल का पेड़ याद आ गया। नारियल का पेड़? हाँ, जैसे नारियल का पेड़ जब छोटा होता है तो उस पौधे को इंसान पानी देता है, धीरे धीरे कर वो पेड़ बड़ा हो जाता है, लेकिन वो नारियल का पेड़ कभी ऐसा नहीं भूलता, सालों साल पानी देता है, नारियल देता है, ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने हमारी मदद की। अब पता नहीं इस इंसानियत का एहसान हम चुका पाएंगे या नहीं। अब मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं करके आता हूँ। अरे नहीं 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 बेटा, अभी भी मेरे अंदर से धन्यवाद निकल रहे हैं, मेरे धन्यवाद के बांध को खुलने दो, मुझे कुछ कहने दो। अब इस बालवीर की किस्मत उस बालवीर के हाथों में है, और उस बालवीर को ढूंढना इस बालवीर के हाथों में। कहां फंस गया मैं, काश परिया कम से कम नया बालवीर ढूंढ रही हो। देखो ये हो सकता है नया बालवीर। नहीं इसके हाथ में वो निशान नहीं है। नेत्रा परी ये वाला, ये हो सकता है नेत्रा परी, सरल परी। हम वहां नए बालवीर को ढूंढ ढूंढ के थक गए, तुम दोनों यहाँ इस यंत्र को लेके बैठी हो। अरे हम भी यहाँ बैठे बैठे नई बालवीर को ढूंढ रहे हैं। देखो क्या किस गांव में? अरे इंस्टा के। देखो इसे कहते हैं फोन, इसमें लोग बात भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और देखो इसी में है ये इंस्टा गांव। रे वाह ये तो बड़ा कमाल का गांव है, मुझे भी बसना है इस गांव में। और देखना बैठे बिठाए मिल जाएगा इसी गांव में हमें हमारा नया बालवीर। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं कब मिलेगा हमें हमारा नया बालवीर। आज का दिन भी बीत गया और अब तो सूरज भी ढलने वाला है। आज जैसे ही पृथ्वी पर सूरज डूबेगा उससे पहले तिमनासा का सूरज आसमान में चमकेगा। आज परियों का दिन लंबा तो होगा आखिरी भी, क्योंकि आज परियां तो चमकेंगी लेकिन उनकी किस्मत नहीं। वाह भैरानी वाह, नन्ही उंगली की कसम, मैं तो दिन पे दिन आपका वो होता जा रहा हूं कायल। लेकिन भैरानी धरती पर तो आपकी चलती नहीं शक्तियां, फिर बिना शक्तियों के आप परियों को धरती के उससे बाहर कैसे निकालेंगे वायुमंडल से? साम, दाम, दंड, भेद, ये एक ऐसा भेद है जगदाली जो सिर्फ होने के बाद ही खुलेगा। जाने अनजाने बालवीर मुझे ऐसी तरकीब दे गया जो मैं उसी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि अब तिमनासा नहीं रुकेगी। कोई रोक
वापस गाड़ी को। अरे कोई तो रोको यार। सॉरी अंकल। बेटा ग्रंथों में लिखा है असली सुख दूसरों की मदद करने से ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा गया है। मुझे बहुत सुख मिल गया, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अतिथि देवो भव, आप हमारे लिए देव हो, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इनका तो धन्यवाद ही खत्म नहीं हो रहा। इतना उत्तराधिकारी कब ढूंढूंगा मैं। अब तुम बहुत पीटने वाले हो, क्योंकि महाराजा को बच्चों को पीटने में बहुत सुख मिलता है। हमारे मोहल्ले के लड़कों को हमारे शोर को याद नहीं लगा सकता। अंकल मैं तो इसकी वजह से डर रहा है, रिमोट तो इसके हाथ में था, मैंने कुछ नहीं किया।